एमपी न्यूज एमपी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीना। वनांचल क्षेत्र में जानवरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। कभी बाघ, कभी तेंदुआ तो कभी भालू के हमले से आए दिन ग्रामीण घायल हो रहे हैं या तो मौत के मुंह में जा रहे हैं। लेकिन संजय टाइगर रिजर्व के मैदानी अमले द्वारा कोई संतोषजनक उपाय नहीं किए जा रहे हैं। केवल कागजी खाना पूर्ति कर मामले को रफा दफा करने में लगे हुए हैं। बता दें कि सीधी जिले के संजय टाइगर रिजर्व क्षेत्र में भालू के हमले की एक घटना और निकल कर सामने आई है, जहां कुसमी जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत हरदी के वृद्ध अमरजीत सिंह पर जंगल में भालू ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। घायल को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पूरी ने प्राथमिक उपचार देने के बाद जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया है। सीधी कलेक्टर साकेत मालवी द्वारा आज कलेक्ट्रेट सभागार में समय सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक ली गई, जिसमें सभी अधिकारियों को समय सीमा पत्रों के निराकरण के आदेश दिए गए हैं। साथ ही सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों के उचित निराकरण के लिए उचित दिशा निर्देश दिए गए हैं। खनिज साधन विभाग 80 है, पंचायत ग्रामीण विकास 81 है, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी 81.88 है, परिवहन 85 है, सामाजिक न्याय 85 है, खेल विभाग 80 है। तीनों में तो शुरू वाले तीनों में शिकायतें कम है। जनजाति कार्य विभाग 81 है, 81.59, गृह विभाग 89.55 है। तो एज में आना प्राथमिकता है हमारी, बट ए में आने का मतलब अगर 80 पे आ गए तो इसका ये मतलब नहीं है कि एकदम संतुष्ट होके हम बैठ गए। 20% शिकायतें हमारी अभी भी बची हुई है जो धीरे धीरे बैकलॉग में जाती रहती है। तो इनमें से कौन से L1 ने सीएम आज भोपाल में विद्या भारती के कार्यक्रम सुघोष दर्शन में शामिल हुए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर भोपाल के ओल्ड कैंपियन ग्राउंड पर सुभाष दर्शन कार्यक्रम हुआ, जिसमें प्रदेश के 75 सरस्वती स्कूल शिशु मंदिरों के 1500 छात्र छात्राओं ने घोष वादन किया। कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने कहा, आजादी के बाद अंग्रेज तो चले गए लेकिन हम पर अंग्रेजी लाद दी गई। स्कूलों में कहा जाने लगा कि अंग्रेजी पढ़ाओ नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। अब नई शिक्षा नीति में यह तय किया गया है कि मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। अभी सुघोष दर्शन का कार्यक्रम में विद्या भारती को और संबंधित विद्यालयों को हृदय से बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक तरफ सुघोष ना कर्ण प्रिय था, देशभक्ति के भाव भर रहा था, भमन को आनंदित और प्रसन्न भी कर रहा था। लेकिन केवल सुघोष नहीं था, यह सुदर्शन भी था। ओम की रचना, स्वस्थ की रचना, सुघोष दर्शन 2023 की रचना ऐसी अद्भुत की बच्चों ने कि सचमुच में मन आनंद और प्रसन्नता से भर गया। मैं सभी हमारे भैया बहनों को भी बधाई देता हूं, आचार्य गणों को भी प्रणाम करता हूं। लेकिन आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। हम सब जानते हैं अंग्रेजों ने कोई चांदी की तस्तरी में रख के भारत को आजादी भेंट नहीं की थी। हजारों क्रांतिकारियों ने अपने खून की अंतिम बूंद दी थी। राष्ट्रभाषा अपनी भाषा में शिक्षा, मध्य प्रदेश अगर है, मध्य भारत अगर है तो हिंदी में भाषा। एक और गलत काम हुआ अपने देश में, मैं तो उसको अपराध ही कहूंगा, अंग्रेजी का आधिपत्य। आजादी के बाद तत्कालीन सत्ताधीशों ने ऐसा स्थापित कर दिया कि अंग्रेजी के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। अंग्रेजी कैरियर की भाषा बन गई, अंग्रेजी गर्व की भाषा बन गई। अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजी हम पे लाद दी गई। अंग्रेजी के बिना कुछ हो नहीं सकता। उसने जगह जगह अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खुल गए। अंग्रेजी पढ़ाओ नहीं तो बच्चों का भविष्य नहीं बनेगा। आज मैं खुल के ये कहना चाहता हूँ, विद्या भारती के इस मंच से कहना चाहता हूँ, भाषा का और विद्वता का, बुद्धि का कोई संबंध नहीं है। कोई अंग्रेजी जानने वाले ही बहुत विद्वान है, ये बिल्कुल सही नहीं है। ज्ञान का सही प्रकटीकरण होता है अपनी मातृभाषा में, अपनी भाषा में। और विद्या भारती ने ये किया है अपनी भाषा में शिक्षा देने का काम। अंग्रेजी काहे को लादते हो भाई? मुझे तो कई बार मन में अफसोस होता है
जगह जगह अंग्रेजी बोलना गर्व का विषय है, इम्प्रेशन पड़ता है बोले अंग्रेजी बोलने से। ये बिल्कुल बेकार की बात है। नई शिक्षा नीति में ये तय किया गया है कि मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। और मैं भैया बहनों को यह बताना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश में हमने फैसला किया है, क्योंकि कई बार जो बड़े बड़े लोगों के बेटे बेटियां थे वो डॉक्टर बने। दतिया में आज केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी सपरिवार पहुंचे। नितिन गडकरी की अगुवानी मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने किया। इस मौके पर भाजपा के नेतागण भी मौजूद रहे। मां पीताम्बरा देवी मंदिर के अंदर पहुंचकर स्वस्तिवाचन के साथ पूजा अर्चना की। मंदिर के पंडित द्वारा पूजा अर्चना कराई। इसके बाद मंदिर में ही प्राचीन वन खंडेश्वर महादेव मंदिर पर पहुंचे, जहाँ उन्होंने जलाभिषेक किया। इस मौके पर नितिन गडकरी द्वारा पीताम्बरा मंदिर क्षेत्र को एक बड़ी सौगात दी है। इस मौके पर दतिया के विधायक एवं प्रदेश के कद्दावर नेता गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पीताम्बरा मंदिर के सामने लगभग 2 किलोमीटर का ओवरब्रिज बनाने की घोषणा की है। साथ ही मां पीताम्बरा देवी के उत्तर द्वार से हेलीपैड तक सुसज्जित रोड निर्माण की घोषणा की है, जो लगभग 5 किलोमीटर है। नितिन गडकरी की इस घोषणा से न सिर्फ क्षेत्रवासी खुश हैं, बल्कि मां पीताम्बरा देवी मंदिर के व्यवस्थापक वीडी परासर ने कहा, इससे श्रद्धालुओं की जान माल की सुरक्षा होगी और मंदिर के पास पहुंचने में भी आसानी होगी। मां पीताम्बरा मंदिर की ओर से नितिन गडकरी को आभार भी व्यक्त किया गया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मां पीताम्बरा पीठ के पास कॉरिडोर निर्माण की घोषणा कर चुके हैं। अब मां पीताम्बरा पीठ के चारों ओर ओवरब्रिज और रोडों का निर्माण होना है। नरोत्तम जी ने मुझे दो बातें पत्र लिखकर मांग की थी, एक तो यहां मंदिर के सामने एक ब्रिज बनाने की, और दूसरी बात उन्होंने कही थी कि सर्विस रोड बनाने की। तो दोनों बातों को मैं मंजूर कर रहा हूं और जल्दी दिल्ली जाकर उसको मंजूरी दे के इसका काम शुरू करेंगे। बहुत आभार। हाँ, बहुत आभार सर। मैं जो बोलता हूँ वो होता ही है, आप चिंता मत करें। इसी के साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। प्रदेश व विंध्य क्षेत्र की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube, Facebook, WhatsApp से जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप रोज की खबरें हमारे वेबसाइट www.enewsmp.com पर भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा गूगल प्ले स्टोर पर हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक बने रहिए ई न्यूज एमपी पर। धन्यवाद।